स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज अगे लुकुराड की ओर तो राम राम आज आपकी मुलाकात होगी। एक पंजाबी गाना नहीं है कि डोलरा वांगू नहीं नाम साडा चलता, तो आज भाई का डोलर भी बद का नाम चल रहा है। तो दीपक मलिक भाई बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, सब तो पहला तो आपका अजय भाई और सभी स्वैग मीडिया के दर्शकों को मेरी तरफ से सबसे पहले आज जुड़ कर राम राम भाई सारा ने। हाँ भाई बिल्कुल, तो भाई अपनी बातचीत चलते रहो। सब तो पहला तो चेयर लाइन किसी भी शायरी की हो जाए मेरे भाई। शायरी की भाई मैं सब तो पहला तो वह शायरी सुना दी बेबे वाली आपने के रे नू के अगर बिना राज्य के रानी के और जिसके पीणते तस ना बुझाओ पानी के और एक बोलया बिला यात्री सगी बेबे है के रे मगा जब बेबे के दी लड़ ले फिर अपनी के और ब्राणी के। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। तो भाई आज के सोशल आज का टाइम है भाई सोशल मीडिया पर फुल चर्चे भाई आपके भाई, तो दर्शक जानना चाह रहे हैं भाई साहब आपका गांव गुआंड जिला तहसील के बारे में। भाई अपना जिला जींद है, तहसील भी जींद है और गांव है भाई अपना सिंधवी खेड़ा, पांडू पिंडारा तक निकलते ने 5 किलोमीटर ऑन रोड गांव है भाई सिंधवी खेड़ा गांव। तो भाई आपने शायरी की शुरुआत किस तरह करी? भाई मैंने शायरी की शुरुआत करी कॉलेज टाइम थे, मतलब भाई कॉलेज में मैं थोड़ा बहुत लिखन लग गया था मैं प्लस वन नहीं था, लेकिन मैंने कॉलेज में जाकर समझ में आई भाई किस टॉपिक पर लिखना है और किस टाइप तक लिखना है ताकि लोग सुनना पसंद करें उस चीज़ ने, तो वहाँ तक कॉलेज तक स्टार्ट करा भाई मैंने लिखना। हाँ भाई सर। तो भाई आपकी एक वह वीडियो थी भाई स्कूटी वाली, दो चार लाइन स्कूटी वाली भाई, फिर उसका आइडिया किस तरह आया भाई? अच्छा स्कूटी वाली भाई तो वह एक इमेजिनरी स्टोरी थी, तो बस आइडिया भाई कॉलेज में जा करते यार दोस्त खाली जो पीरियड होता हांड फिर लिया करते, तो छोरी स्कूटी लेकर आए हैं, तो वह ओढ़ता आइडिया आया था, तो हमने लिखा था कि रे जिस तह था प्यार मने जिस तह है प्यार मने ए त सरू ए पर खत्म उसका नाम है स्कूटी पर आया कर दी स्टेशन पार उसका गांव है। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया। तो भाई जिस तरह मेरे आना है मोस्टली सारे हैं तो मिल लिया भाई। हाँ। सारे तो लगभग भाई, तो एक बात सुन में आवे कि जो दीपक मलिक है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, दर्शक बताओ भाई आपके के बिजनेस है? भाई बिजनेस तो नू है जमींदार है बाड़े खां भाई आप अपना सब तो पहला तो काम भाई अपनी गांव में दुकान है करियाना स्टोर स्पेयर पार्ट की, फिर जींद में एक रेस्टोरेंट है भाई कृष्णा कैफे के नाम था जीताबा बैठे हैं भाई, और फिर भाई एक है अपना सर्विस स्टेशन भाई के साथ गांव में ही रॉयल सर्विस स्टेशन, तो भाई अपना ये काम है लड़ ले। बिल्कुल। हाँ। तो भाई देखो आप शायरी कर रहे हो भाई, इस लाइन तो आपने कितने पैसे कमाए, मतलब कमाई किस टाइप तो है भाई इस लाइन में? भाई कमाई सब तो पहले तो अपना स्ट्रगल कर का रहे हैं, मतलब आज दो आदमी जान लग गए नाम कमाई भाई जो कर अपना शो है भाई विक्की एंटरटेनमेंट हो भाई, तो वहां पर जावा हाँ भाई वहां से आप चले हाँ, तो ईब अपन कमाई मिले भाई अपन शो दूसरे मिलने लगे भाई, जैसे कि 28 नवंबर में नवंबर ने भगत सिंह की जयंती थी बिवाणी जमालपुरा गांव है जो, उसमें बड़े भाई अरस्सीकारा के साथ अपना प्रोग्राम था, तो जैसे वहां चले गए भाई, और भी जैसे रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी सोनीपत बिवाणी में, एक शोरूम की ओपनिंग थी जूता की, तो वहां से अपन कमाई हो जाए भाई। हाँ बिल्कुल। तो भाई दर्शक जानना चाह रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। भाई पढ़ाई लिखाई आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद तक बीए कर रखी है भाई, मैंने आगे मैंने पढ़ाई करी को भाई। तो भाई देखा आप आपकी वीडियो था भाई दिल जमीन नरम सा हो जाए भाई, इतनी छोटी सी उम्र में भाई इतने तजुर्बे क्यों कराए? भाई तजुर्बे नुका आगरा जिस पे बीतता भाई वही लिख सके है। हाँ भाई। तो भाई कुछ तो मेरे गल बीत रही है जब मैं लिखने लग गया, और कुछ भाई लोग रवा गल उन्हें देखा हमरे भाई किस डाल का बंदा है, और इस टाइम पे भाई कोई सा बंदा ना है जिसके गल बात बीत दी नहीं कि भाई काम काट लिया लात मार दी भाई। हाँ। टेम पढ़न पर याद कर ले भाई पाछा तो नाट दे, तो बस भाई समाज ने देखा और लिख दें भाई। बिल्कुल भाई। तो आप देखा भाई बहुत से शायर हैं जो भाई नशे पते करके शायरी लिखे भाई, आप इस बारे में क्या कहोगे? भाई देखो ये सबका भाई अपना पर्सनल लाइफ है भाई सबकी, कोई नशे करे भाई पते करे शायरी करे भाई, इस बारे में आप कुछ कह नहीं सकते भाई अगले किस टाइप तक लिखे, लेकिन आप कोई भी इस प्रकार का मतलब नशा पता नहीं करते, आप पूरे अपना माइंड ने स्ट्रेट करके रात ने शायरी लिखा रहूं भाई मैं आराम से। हाँ तो भाई आपकी बेबी वाली शायरी है भाई पूरी वायरल भाई टॉप भाई, वाह रोज भाई। वाह जरूर भाई। कह रहे हैं नू के आगरे बिना राजा के रानी के और जिसके पीणते तस ना बुझो पानी के, और एक बोलया बिलार यात्री सगी बेबे है के मगर लड़ ले जब बेबे कह दिया तो अपनी के और ब्राणी के। बिल्कुल भाई। तो आप भाई जिस तरह वीडियो बनाओ भाई इस बात पर भाई घर क्या के रिएक्शन है बड़े भाई? भाई घर क्या गा जब फर्स्ट टाइम गया था जब तो मैं झूठ बोले गया था। अच्छा। जनवरी 28 जनवरी ने गया था मैं मोहम्मद 7 दिन जाऊँ भाई। हाँ। एक दो बार और झूठ बोल गया भाई मैं, फिर लेकिन भाई नू है रोज भी न 2-3 बार जाना पड़ता, तो घर के कहते भाई इसे कितने ब्याह हुए, फिर मैंने बता दिया मैं नूर नू शो करूँ, तो घर के बोले बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है कोई गलत काम ना करिए फुल सपोर्ट दे भाई घर के जमा। बिल्कुल। तो क्या भाई मतलब कि अच्छा शायर ने मार्केट में चलने खातर
मतलब कि सुंदर होना जरूरी है या नहीं है भाई आपके हिसाब? भाई देखो, शायर जो कलाकार हो है नहीं भाई, वो सुंदर हो ना हो लेकिन जो उसकी लेखनी हो है ना, वह सुंदर होनी चाहिए भाई, वह समाज के मतलब समझ आनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए भाई, ताकि परिवार में बैठकर कोई उसने सुन सके और आराम से देख सके। बिल्कुल भाई। तो भाई जिस तरह बीवी की एंटरटेनमेंट में भाई जाओ हो भाई प्रोग्राम करो, तो भाई ओड़ा की थोड़ी शिकायत आई है भाई, मन ने मेरा सच्चा है कि झूठा वा अपने बतानी है कि गरीब घर के बालका में पीछे ले ले हैं और फिर मतलब कि ओड़ा पानी घूंट तक प्यान दे गुनी। भाई बात इसी है, मैंने मतलब भाई मैं तीसरा शो में जाने लग गया था और मैंने 17 शो कर लिए विक्की एंटरटेनमेंट में, तो भाई वहाँ पे इसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सारे हम्बल पर्सन फैमिलियर है जमा सारा माहौल, और भाई अगर कोई बालक फीस नहीं दे सकता भाई, किसी की फैमिली कंडीशन सही नहीं है, तो भाई वहाँ पे कोई दबाव नहीं डाला जाता कि भाई कह दे उसको ठीक है जी आप परफॉर्मेंस करो, कोई दिक्कत नहीं फीस की भाई, या भाई गलत बात है कि भाई वहाँ पे चाय पानी नहीं पूछते भाई, पानी चाय सारा अपना फैमिली मतलब फैमिली टाइप रखा भाई पूरा। हाँ भाई आपके एक शायरी थी भाई, ओक्का भाई उसकी और दो चार लाइन। कह रहे तू मने छोड़ के चाल पड़ी, तू किसने अपने प्यार में बांधी है, कह रहे तू मने छोड़ के चाल पड़ी, तू किसने अपने प्यार में बांधी है, और तने सच्चे प्यार की पहचान कोने मैडम है, तू आंधी है, और मने नू कह तू नशे पते करन ला गया, मगा ना मैडम यार तो बस ओका पिया करे, और ओका नशा नहीं यू चौधर की निशानी है। बिल्कुल भाई, तो जिस तरह भाई आपने ओक्का पैसा शायरी बनाई थी भाई, आपने लगता कि अपना हरियाणा में भाई नशा प्रमोट होने लग रहा है भाई? ओक्का देखो भाई, ओक्का मतलब भाई नॉर्मली ही चीज़ है भाई, आपा कितने जावा हल्ला ले सब तबला रिश्तेदारी में जावा कितने यार दोस्त के जावा भाई नो कार भाई ओका पानी भाई चा पानी, तो भाई ये मतलब ओका नशा को नहीं आंदा भाई एक टाइप तक अगर देखा जावा, नशा भाई मतलब बंदा दारू पीने लग जाए भाई फिर पेपर उस तक आगे चल पड़े भाई, वो चीज नशा हो जाए फिर ओका तो भाई नॉर्मली बैठक का भाईचारे का प्रतीक माना भाई हरियाणा मामा। बिल्कुल भाई, आपकी कोई भी ऐसी वीडियो भाई जिसका मतलब कि आपने उम्मीद नहीं थी कि यह चल जाएगी और वह चल लियो भाई? भाई मैंने उम्मीद नहीं थी, मेरी एक वीडियो थी मैंने बनाई थी जो आज तक की सब तक मतलब टॉप में है, मतलब सारे व्यू उस पर मतलब सब तक ज़्यादा हैं। हाँ। तो वह थी कि रे आज फिर तो याद आया मैंने नज़ारा वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जींद के श्यामी का, मैं पहन रहा था वो व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट, वह पहन रही थी सूट बदामी सा, मखा सुतरा लागूंगा जहाँ तो मैंने चश्मा खोस कर पैर लिया था मेरे दोस्त रामी का। बिल्कुल भाई, तो भाई मैं एक शायर का नाम बोलूँगा, आपने उनके बारे में दो चार बात बोलनी है भाई, बाबा शायर। बाबा शायर भाई बहुत बढ़िया शायर हैं, उनकी शायरी मैंने सब तक बढ़िया याद लागे पूरी तो याद को नहीं, मखारे यारा की बूंदी शक्ल आया याद नहीं है भाई मेरा पूरी, लेकिन बहुत बढ़िया शायर है, बहुत बढ़िया लेखनी है भाई की भाई। भाई सोमवीर सहरावत। सोमवीर सहरावत भाई अपना भाई है बड़ा। हाँ। और उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वह जो फेमस वीडियो थी उनकी। हाँ। शायरी थी कह रहे वह डायरी वाली 53 रुपये लीटर ला दें। हाँ। तो भाई के गला बातचीत होती रहो है, अपना बड़ा भाई है, बहुत ही बढ़िया शायर है और अच्छी लेखनी है भाई, भाई की बहुत ही बढ़िया समाज को संदेश दे। बिल्कुल भाई, तो आप देखा भाई आपकी वॉइस पर बहुत सारे बंदे वीडियो बना रहे हैं भाई, उनकी भाई आप तो ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है भाई, आप तो ज्यादा भी हो भाई, उस टाइम आपका रिएक्शन के रहा भाई? भाई उस टाइम अपना ये रिएक्शन रहा है कि भाई उन लोगों के कारण है जो आप मतलब अपनी वॉइस आवे उसके नीचे नाम आओ अपनी वॉइस का। हाँ। तो लोग वहां से अपनी आईडी ने सर्च मतलब चेक कर ले, चेक आउट हो जाए। हाँ। तो भाई अपन बहुत खुशी हो भाई, अपनी वाज वायरल है मतलब अपने शब्द वायरल है, सबसे बड़ी बात यह है भाई अपने खातिर। बिल्कुल भाई, तो भाई अपना हरियाणा के तो सिंधा ये बड़ा गांव है भाई, मतलब कि अगर इस काम में लग गए क्या अपनी रोजी रोटी चला सके भाई? बढ़िया डाल भाई रोजी रोटी चला सके हैं, जमा बढ़िया डाल चला सके मेरे भाई, लेकिन उनकी लेखनी उनके शब्द उनके विचार समाज के मतलब प्रति मतलब बहुत ही अच्छे होने चाहिए भाई, नू नहीं है भाई ये गलत चीज नहीं था लहरदी गणे देने बाबू हुंडा बोल ले भाई, बहुत ही मतलब भाई जिसने परिवार थी के को भाई फिर के सुनाओ भाई तारा छोरा, अगर आप अच्छी चीज सुनावांगे तो भाई अपने कितने लोग प्रोग्राम भी देंगे अपन बुलाओ भी तो उनकी रोजी रोटी जरूर चल सके हैं, अगर वो गलत वे तो चलेंगे तो भाई नहीं चल रहे। बिल्कुल भाई, तो देख भाई अपना पूरा भारत देश में भाई पूरा जबरदस्त भाई किसान आंदोलन चल रहा है बड़े भाई, किसान आंदोलन के प्रति आपकी क्या राय? भाई किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन में हाँ भाई, आप अभी जमींदार हैं बालक हाँ, और भाई दिल्ली गए भी हैं 3-4 बार भाई, जितना हमारा बन पड़ा यार दोस्तों के लिए उतना भाई सहयोग करके भी आए हैं, आप पूर्ण समर्थन में हैं भाई और आगे भी जितना अपना पहुंच करेगा उस तक ज्यादा करने की कोशिश करेंगे भाई। भाई किसान ना भाई कोई भी शायर की दो चार लाइन भाई किसान के भाई, के रे ईब काबू में कोना वा धोली पोस आलो, के रे ईब काबू में कोना वा धोली पोस आलो, इब मारे भीतर ले की रोम रोम जागी है, या सरकार निकली इसके ढोंग नवाबी हैं, अरे तारे बस में कोना वा नेता जी, इब कोई जाति नहीं या किसान कोम जागी है।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई आपने कहा कि भाई सरकार दौड़े पोछड़े, भाई अगली बार आप किस किस सरकार देखना पसंद करोगे अपना हरियाणा में? भाई अपना हरियाणा में भाई सरकार मतलब बीजेपी को तो मैं देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा भाई, अपना हरियाणा में मैं कांग्रेस को देखना पसंद करूंगा भाई। बिल्कुल भाई। भाई आपका कोई भी फेवरेट सिंगर? भाई मेरा फेवरेट सिंगर है बी प्राक। भाई अपना हरियाणवी? हरियाणवी है भाई मेरा बिंटू पबड़ा और केपी कुंडू भाई, बहुत ही अच्छी लेखनी है भाई, बहुत ही अच्छे सॉन्ग आ उनके, बहुत ही अच्छे लगे भाई मने। बिल्कुल भाई। हाँ। भाई अगर कोई नया बंदा जिस तरह आप शायरी करो भाई थोड़े दिन के बाद नहीं भाई गाने लगते हैं काटने भाई में, आप इस बारे में क्या कहोगे? भाई बहुत मतलब शुरुआत तो करनी पड़े भाई, मैं भी सोच रहा हूँ अगले साल जल्द गाने करने की। हाँ भाई। हाँ तो मैं भी आगे चल के गाने लेके आऊंगा भाई, पूरी कोशिश है। हाँ भाई। तो जहाँ तक हो सके भाई मार्केट में गाने उतारेंगे अगले साल। बिल्कुल भाई। तो भाई देखा भाई जैसे बंदा पॉपुलर हो जाए उस पर छोरियाँ की लाइन लग जाए भाई, इस बारे में आप क्या कहोगे? देख भाई मतलब आपने शायरी तो सुनी होगी कि भाई वह बात है जय त्रमन्ने बाण का दम है तो जेबे हाथ पकड़िए, तो भाई आप मतलब भाई नू तो है ना भाई, मैं किसी के लिए बात ना कराया करता भाई। हाँ। अगर हो तो भाई एक हो, मतलब बात हो तो रूह वाली हो भाई, जिसम वाली ना हो भाई। तो आप भाई मतलब मैसेज बोता के आवे हैं, मतलब क्या भाई 1,500 रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी है भाई भी, लेकिन मैं एक्सेप्ट मतलब कर लिया करूँ, लेकिन बात इतनी कराया करूँ जी, ठीक है जी, राम राम, थैंक यू आपका, आप लोगों का प्यार है, बस इतनी बात कराया करूँ भाई। अगर कोई नया बंदा भाई शायरी करना चाहे मतलब कि आप पढ़ी लाइन में आना चाहे तो आप उसका क्या संदेश दोगे? भाई मैं यू संदेश देना चाहूँगा भाई, कदे भी अपना जो आप लिखो ना। हाँ। मतलब उसने नू ना सोचो कि भाई अपने तक सीमित रहो है, अरे यू मैंने ठीक लिख दिया गे, उसने आप लोगों के सामने पेश करो। एक कलाकार का कितना काम हो, सिर्फ इतना काम हो कि उसने लिखना है। हाँ। और लोगों को सुनाना है, लोग बताओगे भाई वो के कितना अच्छा और कितना बूंदा है। तो भाई अगर कोई इस लाइन में आना चाहो और लिख रहा है भाई घर पे है, तो भाई अपने शो पर आओ, कहीं भी जाओ, मतलब कौन से शो पर जाओ किसी इंडस्ट्री में, और वहाँ पर अपना टैलेंट को पेश करो भाई, ताकि लोग सुने और वो आपको बतावें भाई। बिल्कुल। हाँ। तो दीपक मलिक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने कीमती टाइम का दिया। धन्यवाद भाई आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत। हाँ। और भाई सब तो बड़ी बात तो यह भाई आप जमींदार हैं, बड़का का इंटरव्यू ले हो, मामना आग गलिया हो, मतलब भाई सब तो बताओ भाई कहाँ से हो। हाँ। क्या कर रहे हो, तो भाई सब तो बड़ा धन्यवाद तो आपका भाई अजय। बिल्कुल भाई, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ।